की कॉपी में करेंगे काम। सबसे पहले आपने इस पेज पे लिखना है साउंड ऑफ ई। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखेंगे, आज कौन सी डेट है, 17। और यहाँ पर हम लिखेंगे पेज नंबर 19। आज हम कॉपी में काम करेंगे पेज नंबर 19 का साउंड ऑफ। यहाँ पर हम लिखेंगे साउंड ऑफ, वन फिंगर का गैप देकर ऑफ, और ब्लू कलर से लिखेंगे वन फिंगर का गैप देकर ई। तो आज हम ब्लू साउंड ऑफ ई का काम करेंगे। यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं, एक लाइन यहाँ लगाएंगे और एक लाइन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं वर्ड लिख के दूंगी, आप लोगों ने तीनों लाइनों में वो वर्ड लिखने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ब, ई ब के बिल्कुल करीब, न ब ई न बिन, इन इन ब बिन, यहाँ पर भी हम लिखेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी, ब ई न बिन, यहाँ पर भी ऐसे ही पढ़ पढ़ के लिखना है, ब ई न बिन, शाबाश। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बिन के नीचे ब, सबको पता है ना कितने वर्ड में, कितनी लाइनों में आते हैं ब, ब के बिल्कुल करीब ई, और ई के बिल्कुल करीब ब, ब ई ब बिब, ठीक है। यहाँ पर भी आपने लिखना है ब ई ब बिब, और इस तरह मैं पढ़ रही हूँ आपने भी पढ़ना है ऐसे ही, ब ई ब बिब, ठीक है। बिब के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर न ई ब निब, शाबाश, ऐसे ही पढ़ पढ़ के लिखना है, ठीक है, न ई ब निब, न ई ब निब, निब लिखा। अब निब के नीचे हम लिखेंगे फ, फ कितनी लाइनों में आता है, ऊपर की तीन लाइनों में, ई ग, ग पता है ना कितनी लाइनों में आता है, नीचे की तीन लाइनों में, फ ई ग फिग, दोबारा से पढ़ के लिखेंगे फ ई ग फिग, फ ई ग फिग, शाबाश। अब फिग के नीचे लिखेंगे हम प, प कितनी लाइनों में आता है, नीचे की तीन लाइनों में, ई न पिन, प ई न पिन, प ई न पिन, पिन लिखा। अब लास्ट वाला वर्ड है स, कितनी लाइन में आता है, बीच की दो लाइनों में, ई एक्स, एक्स भी बीच की दो लाइनों में आता है, स ई एक्स सिक्स, स ई एक्स सिक्स, स ई एक्स सिक्स। चलें बेटा एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, इना इन ब बिन, इना इन ब बिन, इना इन ब बिन, इब्बा इब ब बिब, इब्बा इब ब बिब, इब्बा इब ब बिब, इब्बा इब न निब, इब्बा इब न निब, इब्बा इब न निब, इग्गा इक फ फिग, इग्गा इक फ फिग, इग्गा इक फ फिग, इना इन प पिन, इना इन प पिन, इना इन प पिन, इक्सा इक्स स सिक्स, इक्सा इक्स स सिक्स, इक्सा इक्स स सिक्स। आपने भी इसी तरह अच्छे से राइटिंग में काम करना है और साथ में रीडिंग भी करनी है ताकि आपको रीडिंग भी अच्छे से आ जाए। कॉपी में आप पेज नंबर 19 का काम कर चुके हैं, आज हम करेंगे पेज नंबर 20। बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, कौन सी डेट है आज, 19। और यहाँ पर हम लिखेंगे पेज नंबर
20, पेज नंबर 19 का काम कर चुके हैं ना हम, और यहाँ पर लिखेंगे साउंड ऑफ, पहले हमने लिखा साउंड, वन फिंगर का गैप देके लिखा ऑफ, और यहाँ पर हम ब्लू कलर से लिखेंगे ई, ठीक है। अब हम ब्लू कलर से यहाँ लाइन लगा लेते हैं, एक लाइन यहाँ लगाएंगे और एक लाइन यहाँ लगाएंगे। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं और साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा ट, कितनी लाइनों में आता है, ऊपर की तीन लाइनों में, ट के बिल्कुल करीब ई और ई के बिल्कुल करीब न, ट ई न टेन, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं और साथ में पढ़ेंगे भी, ट ई न टेन, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं ट ई न टेन। अब टेन के नीचे लिखेंगे हम ल, ऊपर की तीन लाइनों में, ल के बिल्कुल करीब ई, ई तो पता है ना कितनी लाइनों में आता है, ई के बिल्कुल करीब हम लिखेंगे ड, ड आता है ऊपर की तीन लाइनों में, ल ई ड लेट, ल इसी तरह पढ़ पढ़ के लिखना है, ई ड लेट, ल ई ड लेट, लेट के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे स, स कितनी लाइन में आता है, बीच की दो लाइनों में, स ई ट, ट बताया था ना ऊपर की तीन लाइनों में आता है, स ई ट सेट, यहाँ पर भी हम सेट लिखेंगे, स ई ट सेट, और यहाँ पर भी लिखेंगे स ई ट सेट। सेट के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे म, बीच की दो लाइनों में, ई एक्स, एक्स पता है ना कितनी लाइनों में आता है, बीच की दो लाइनों में, म ई एक्स मिक्स, दोबारा से लिखेंगे म ई एक्स मिक्स, म ई एक्स मिक्स, ठीक है। मिक्स के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे फ, ऊपर की तीन लाइनों में, ई ग फिग, कम हम कर चुके हैं ना, दोबारा से लिखेंगे फ ई ग फिग, फ ई ग फिग। अब लास्ट वाला वर्ड है प, नीचे की तीन लाइनों में, ई न पेन, प ई न पेन, प ई न पेन। चलिए एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं, ई न टेन, च ई न टेन, इसको दूसरी तरह इस तरह भी पढ़ सकते हैं, एना इन टा टेन, ठीक है। एडा एट ल लिट, एडा एट ल लिट, एडा एट ल लिट, एडा एट स सेट, एडा एट स सेट, एडा एट स सेट, एक्सा एक्स म मिक्स, एक्सा एक्स म मिक्स, एक्सा एक्स म मिक्स, एगा एक फ फिग, इगा एक फ फिग, इगा एक फ फिग, इना इन प पिन, इना इन प पिन, इना इन प पिन। आपने भी इसी तरह अच्छी राइटिंग में काम करना है और साथ में रीडिंग भी करनी है ताकि आपको रीडिंग भी अच्छे से आ जाए, ठीक है बेटा।